नमस्कार। आज जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में बहुत ही एक सुखद संयोग कायम हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के सशक्त कवि मिथिलेश श्रीवास्तव साहब। मिथिलेश श्रीवास्तव जी का नाम समकालीन हिंदी कविता में सुपरिचित है। हिंदी कविता लेखन में इन्होंने शुरू से ही अपनी पहचान कायम की है और 90 दशक के आसपास में जिन कवियों ने हिंदी कविता लेखन में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया और अपनी काव्य संवेदनाओं से हिंदी कविता लेखन को प्रभावित किया, उनमें मिथिलेश श्रीवास्तव जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। और इनका काव्य संग्रह, जो इनका पहला काव्य संग्रह है, किसी उम्मीद की तरह, यह हिंदी कविता में यह काव्य संग्रह अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है और आज हम उस संग्रह से भी इनकी कुछ कविताएं सुनेंगे। और मिथिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। काफी स्वागत है, आप हम लोगों के बीच आए हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम दिनचर्या के बीच से कुछ समय को निकालकर। आपको मेरा सादर अभिवादन जनसरोकार मंच की ओर से। आप बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। पटना विश्वविद्यालय में आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई, वहां के साइंस कॉलेज में आपने पूरी की और शुरू से आपका साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब इनसे जुड़े हुए मुद्दों में, प्रसंगों में आपकी रुचि रही है और आप से आज बातचीत करने का मौका मिला है। हम आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कविता लेखन कब शुरू किया, उस समय शुरू में आप किन कवियों को पढ़कर कविता लेखन की ओर प्रवृत्त हुए, ये सब सारी बातें मिथिलेश जी आप बताएं। बहुत शुक्रिया राजीव जी, और मैं देवेंद्र जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जन सोकार मंच टोक का भी आभार करता हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला संग्रह, कविता संग्रह, किसी उम्मीद की तरह 1999 में प्रकाशित हुआ था आधार प्रकाशन से। उसका ब्लर्ब विष्णु खरे ने लिखा है, जी और जैसा आपने बताया, इस संग्रह को बहुत अच्छा स्वागत हुआ। और उस समय मेरे लिए मेरा यह पहला संग्रह था, और पहले संग्रह के आने पर मन जैसे विभोर होता है, वैसा मैं भी हुआ। कविता लिखना तो शायद बहुत पहले से शुरू हो गया था, यूं कहें स्कूल कॉलेज से। ये सृजनात्मकता की ओर मेरी प्रवृत्ति बढ़ती गई और पल्लवित हुई। तो लेकिन मैं 90 के बाद, 90 नहीं, 80 के बाद, कहें कि 85 के बाद मेरी कविताओं का विधिवत और कविता की महत्वपूर्ण जगहों पर प्रकाशन शुरू हुआ, और एक नए कवि के रूप में लोगों ने, मित्रों ने स्वागत किया। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। आप लिखते तो लिखते रहते ही हैं, उसमें तो कोई, लेकिन दुनिया के सामने, समाज के सामने जब आपकी रचनाएं आती हैं, तो एक तरह से वहां से कहते हैं कि वहीं से आपकी शुरुआत हुई। हम लोग यानी मैं और मित्र लोग निराला से शुरू करते हैं। उसके पहले की कविताएं हैं,
लेकिन निराला की एक कविता जो हमारे कॉलेज के दिनों में जो हिंदी का पाठ्यक्रम था उसमें वो कविता शामिल थी, भिक्षुक वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया ढेर जी, मुट्ठी भर दाने को फटी पुरानी झोली का फैलाता, हमारे पछताता पथ पर आता। पटना विश्वविद्यालय वो इस कविता का इतना उम्दा सांगीतिक लयात्मक पाठ करते थे, और जब वो इस कविता का पाठ करते तो पूरा क्लास जो हमारा हमारे सहपाठी थे कक्षा के, वो सब कविता में डूब जाते थे। हालांकि हम लोग सब के सब विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो वो मुझे याद है कि वो ये आपको बात रही होगी 72 से 74 के बीच की। तो उस समय हिंदी हिंदी में निराला जी, फिर निराला हिंदी से में निराला जैसे जो कवि हैं उनकी यथार्थवादी कविताओं ने, यथार्थवादी शैली में लिखी गई कविताओं ने आपको शुरू में बहुत प्रभावित किया। हाँ, क्योंकि भिक्षु जो है वो हिंदी कविता में यथार्थवाद की जो शुरुआत होती है आधुनिक हिंदी कविता में, तो उसकी वो प्रतिनिधि कविता मानी जाती है यथार्थवादी शैली की। शुरुआती हाँ। कविताओं में तो उसका स्थान है ही, इसके हाँ। अलावा वो बहुत ही हिंदी की प्रतिनिधि कविता है। जब कवि ने पहली बार समाज के सबसे असहाय तबके के लोगों के जीवन दशा की ओर महाकवि ने दृष्टिपात किया था, आज की समाज से सवाल पूछा था, प्रश्न कविता में तो है। सबसे पहले समाज से सवाल पूछने वाले कवि हैं निराला, और बहुत सारे सवालों को अपने समाज से, जनजीवन से, लोगों से वो पूछते हुए दिखाई देते हैं, और यहीं पर हिंदी कविता एक बहुत बड़े अभिव्यक्ति के बहुत बड़े फलक की ओर अग्रसर होती हुई भी दिखाई देती है, जिसका विस्तार आगे चल करके नागार्जुन, रघुवीर सहाय, मुक्ति तक की कविताओं में वो हुआ है। तो मिथिलेश जी, आप ने जो बताया अपने बारे में वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और फिर आगे की जो सब बातें हैं उनसे भी हम लोगों को आप अवगत कराएं। जब आप लिख रहे थे, जब आपने लिखना शुरू किया हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, आपकी कविताएं जब प्रकाशित होनी शुरू हुई, तो उस समय और कौन कौन से कवि आपके साथ लिख रहे थे? देखिए, उस समय केदारनाथ सिंह थे, रघुवीर सहाय थे, प्रयाग शुक्ल थे, मंगलेश डबराल, असद जैदी, ये पूरे एक एक ही समय में ये लोग काम कर रहे थे। हालांकि दो पीढ़ियों के लोग थे, केदारनाथ सिंह रघुवीर सहाय की एक पीढ़ी थी, उसके बाद मंगलेश डबराल, बीरेन डंगवाल, असद जैदी, आलोक धनुआ, ये लोग हमसे पहले से लिखते आ रहे थे, और ये लोग पूरी तरह से कविता में सक्रिय थे। उसके बाद मैं ये आपको बताने जा रहा था कि किसी उम्मीद की तरह पहला संग्रह, उसके बाद पुतले पर गुस्सा दूसरा संग्रह आया। इन दोनों के बीच में काफी समय का काफी अंतर है, अंतराल है। तो 2014 में पुतले पर गुस्सा आया, उसके बाद कोरोना समय में एक मेरा तीसरा संग्रह आया, औरत ही रोती है पहले, उसके बाद ये मेरा, इसको आप चयनित कविताएं हैं लेकिन आप इसको एक कविता संग्रह ही कह सकते हैं,
और इसमें तीनों संग्रहों और संग्रहों के बाद की कविताएं इसमें संकलित हैं। एक दो लाइन मैं इसके प्रकाशक के बारे में कहना चाहता हूं। न्यू वर्ल्ड्स पब्लिकेशन नाम से ये प्रकाशन है और इन्होंने बहुत कविताओं, चयनित कविताओं का अब तक इन्होंने 60 लगभग 60 कवियों की चयनित कविताएं प्रकाशित कर चुके हैं। इनकी खासियत ये है कि ये लोग हिंदी कविता को दूसरी भाषाओं में अनुवाद के जरिए ले जा रहे हैं। तो इसी संग्रह को हम लोग अगर केंद्र में रख के बात करें तो बात और मैंने भी पढ़ा, मैंने भी आपके इस संग्रह को पढ़ा है, आपने पीडीएफ फाइल मुझे भिजवाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी सारी कविताएं। मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें बिल्कुल एक नई काव्य भाषा, बिल्कुल जीवन को लेकर के एक नई संवेदना और कुछ अलक्षित प्रसंग सब जो है समाज के, तो उनको आप बहुत ही सजगता से अपनी कविताओं में आपने समेटा है। और आपका आपकी आपका जो ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है चयनित कविताएं, इसके लिए मिथिलेश श्रीवास्तव साहब मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हिंदी कविता के सुधी पाठक वो इसको पढ़ेंगे और कविता में जो बातें आपने की हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मिथिलेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चयनित कविताएं इस नए संग्रह से कुछ कविताओं का वाचन करें, पाठ करें और हमें, हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि आपसे कविताएं सुनने को मिले। कविता मैं पढ़ता हूँ, घर में सफेदी। ये मेरे पहले कविता संग्रह किसी उम्मीद की तरह में संकलित है और इसमें चयनित कविताएं शामिल किया गया है। ये कविता जो सफेदी में हुआ वो उसी अनुभव और यथार्थ पर केंद्रित है ये कविता, जिसमें हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ये कविता, मानवीय पहलुओं पर ये कविता, हमारी सोच और समझ पर यह कविता बात करती है। घर में सफेदी। एक गेंद मिली, बच्चा खोज रहा था उसे कई दिनों से, गेंद को हवा में उछालता वह खुश हुआ। पुरानी चिट्ठियों के एक पुलिंदे में कई चेहरे थे, बहनों की चप्पलों की नाप थी, ऊन के रंगीन नमूने थे, दादाजी के बारे में कोई चिट्ठी नहीं थी। 1947 के पहले ही वे मर चुके थे। छड़ी की प्रतीक्षा में खुश थे, पिता बुढ़ापे में मां को कुछ खास नहीं कहना था। अब्बास मियां का एक खत था, कठिनाई से उनको मेरा पता मिला था, वे खफा थे खतों के जवाब न मिलने से। उन दिनों की तारीफ थी जब आबाद खेतों से गुजर कर उनके घर में जाता था, छिपकलियां सहमी हुई थी, कई दिनों तक झिंगुर की आवाज नहीं आई,
अक्सर सन्नाटे में खो जाने वाली सुई मिली, वह भोर में एक दिन खो गई थी। शहर में जैसे खो जाते हैं बच्चे, पिता और मित्र, कुछ नए चम्मच भी मिले। हम लोग सोचते थे घर सुनसान पाकर महरी उठा ले गई होगी। मकड़ी के बड़े बड़े जाले टूट गए थे, कुछ मकड़ियां मारी गईं, कुछ भाग गईं पड़ोस में, कुछ छिप गईं दीवारों की दरार में। मकड़ियों को निर्मूल करना आसान नहीं था, कुछ का बचे रहना जरूरी था, आदमी में उम्मीद की तरह। एक गुच्छा चाबियों का मिला, कुछ तालों की इस बीच दूसरी चाबियां बन चुकी थी, कुछ ताले फेंके जा चुके थे, कुछ को जंग खा गया था, कुछ चाबियां थी जिन्हें हम नहीं खोजना चाहते थे, जिनके मिलने पर हुआ कुछ अफसोस सा। दूसरी कविता है परिचित आवाज, ये भी वहीं से है। मिथिलेश जी, आपकी कविताओं में जो सब जीवन के प्रसंग सब जो हैं, वो घर बाहर के ऐसे प्रसंग हैं जिनमें हमारे जीवन का सुख दुख जो है, और जो जीवन की खुशियां हैं, जो हमारी आशा है, हमारी जो उम्मीद है, उसकी जो आहट है, वह बहुत ही जीवंतता से प्रकट होती है और यथार्थ को बिल्कुल नए ढंग से आप परिभाषित करते हैं अपनी कविताओं में। और इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए आपको, आपके प्रति आभार। और हम लोग आपकी और कविताओं को सुनना चाहते हैं, आप अपनी दूसरी कविता हमें सुनाए। परिचित आवाज, परिचित आवाजें डराती हैं, डराती हैं बादलों से घिरी हुई बिजली। परिचित आवाजें डराती हैं, डराती है बादलों से घिरी हुई बिजली। कपाता है दूसरी मंजिल पर बंद होता दरवाजा, पहली मंजिल का मेरा घर, खेलते हुए बच्चे की गेंद की धप धप, निचली मंजिल में फैलाती है लगभग आतंक, दौड़कर भागते हुए कदमों की आहट, दरवाजा खटखटाए जाने का खटका, बैठा जाती है मन में हर हाथ। दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आती हुई आवाज कहीं दूर से आती हुई लगती है, दूर कहीं बूढ़ी हो रही एक माँ है, एक बेरोजगार भाई है जो घर देर से लौटता है या किसी रात लौटता ही नहीं है, लौटकर बिस्तर में लेट जाता है, सपना देखने और नींद में बड़बड़ाने से बचना चाहता है। इन सब की भी होती है अपनी आवाज। मिथिलेश जी, आपकी कविताओं में समय के साथ, समाज के साथ एक बहुत ही गहरा संवाद कायम होता है, और जो आज के जीवन में कई तरह के दबावों से, संकटों से घिरे हुए जो लोग हैं, अपनी कविताओं में आपने उनके प्रति संवेदना का भाव प्रदर्शित किया है। और चाहे वो गांव कस्बों में लोगों की जिंदगी हो, या महानगरों में रहने वाला जो विशाल जनसमुदाय है, तो इन सब परिवेश के बीच, इस सारे परिवेश के बीच आप आम लोगों के जीवन के सुख दुख की पड़ताल निरंतर अपनी कविताओं में करते हुए दिखाई देते हैं। और हमारी जो कविता की परंपरा है, जिस परंपरा के बहुत बड़े कवि रघुवीर सहाय माने जाते हैं, मुक्तिबोध माने जाते हैं, नागार्जुन माने जाते हैं, तो आप एक तरह से उस परंपरा के, उस काव्य परंपरा के कवि हिंदी में हैं। और आपसे, आपकी जो कविता आपने भी सुनाई है,
तो उसको सुनकर करके बिल्कुल नए जो अनुभव है काव्यानुभव वो हमें प्राप्त हुए हैं, इसके लिए आपके प्रति आभार। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने काव्य पाठ को जारी रखें और अपनी तीसरी कविता हमें आप सुनाएं, क्योंकि आपसे कविताओं को सुनना एक बहुत ही विलक्षण अनुभव, एक बेहद आत्मीय अनुभव में वो परिवर्तित वो हो रहा है। आकृतियां जी, ये भी पहले संग्रह से ही है, किसी उम्मीद की तरह। हल्की सी धमक से गिरती है चूने की परत, छोड़ती हुई अपनी जगह कुछ आकृतियां घर की भीतरी दीवार पर। वह आकृति वृक्ष की नहीं है, वह आकृति वृक्ष की नहीं है जिसके नीचे बैठी है एक दूसरी आकृति, पालथी मारे ध्यान लगाए, बाएं हाथ की एक उंगली से बाईं नासिका दबाए, चादर सच की ओढ़े, पथराई हुई सी आंखों से नहीं पिघलता कुछ भी, पटी दवाइयों से झड़ता है चूना, उत्तर की दिशा में छत के नीचे कोने में है एक छोटी सी आकृति, पिता जैसी सफेद सूजी हुई मांसपेशियों वाली, थकी और कर्ज में डूबी। वह आकृति एक औरत की है, निहारती पति का रास्ता, वह जन्म देने वाली है एक दूसरी आकृति, गिरती है लटकती हुई चूने की एक और परत, बनाती एक और आकृति, अंग्रेजी बोलते तुतलाती है जिसकी जुबान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने की इच्छा है इस उसकी, उसके लिए ना उम्मीद और उदास होना आसान है। वह आकृति एक कवि की है, पाखंड के खिलाफ लिखना चाहता है एक कविता, जो उसके साथ बैठा एक चित्रकार, उसके साथ बैठा एक पत्रकार, जो बनाता है जले पंख वाली एक चिड़िया, और वह एक सुलझा हुआ मनुष्य है जो दिलाता है लोगों को भरोसा और सब्र से रहने के लिए कहता है। कुछ आकृतियां उनकी हैं जो देखने गए थे बाहर, जो देखने गए थे शहर, छोड़कर अपनी छाया लौट गए घर। कुछ लोग थे बेरोजगार, कुछ लोग थे रोजगार की तलाश में, वे कहीं गए नहीं, इन्हीं दीवारों में बस गए जैसे तैसे। कुछ आकृतियां मिलने के बहाने गई थी ठहरने, इसी घर वे गई नहीं अभी तक। कुछ आकृतियां उन ड्रॉप आउटों की हैं जिन्हें अपने पसीने पर भरोसा था, अपने एहसासों को बचाए रखने में हैं व्यस्त, कभी कभी अपने किए पर खिन्न हो उठते हैं। कुछ और आगे चौथे कोने के पहले बनी है घोड़ों की आकृतियां, बिल्कुल हुसैन के घोड़ों की तरह दमकती, उनके रंग की तरह कुछ लोग होना चाहते हैं संपन्न। कांपती हुई आकृतियां गिरती हैं धीरे धीरे नीचे फर्श पर, कभी कभार कोई आकृति उठती है दीवार से और आकर पास बैठ जाती है, अपनी उदासी को मेरी हंसी में मिलाती हुई।
अगली कविता है कई नींदों के बाद। ये भी उसी संग्रह से है, किसी उम्मीद की तरह। इसके बाद मैं और संग्रहों की कविताएं सुनाऊंगा। कई नींदों के बाद, कई नींदों के बाद आने वाली कोई एक नींद एक अच्छा सपना लाती है। किसी भरे कमरे के भीतर, किसी हरे पेड़ के नीचे, किसी धड़धड़ाती हुई ट्रेन की निचली बर्थ पर सोए हुए, किसी बहस के बीच ऊंघते, कामना करनी चाहिए टूटने से बची रहे नींद, आधी रात डरने से बचा रहे आदमी, बची रहे बराबर एक अच्छे सपने के भीतर एक और अच्छे सपने की संभावना। अच्छे सपने में मैं देखता हूं लोग फिर से निर्वीक हो रहे हैं। अच्छी कविता की एक किताब पढ़ना और पास रखना चाहते हैं। संसार के सारे ताकतवर मुर्गा बन जाते हैं मेज समझकर उनकी पीठ पर न्यायाधीश मारता है हथौड़ा। कई आंखों की लौट आती है रोशनी, कई बहरे कान लगते हैं सुनने, कई धमनियों में बहने लगता है लाल और गर्म खून। मैं सपने को बचाना चाहता हूँ ताकतवर बनने की अपनी इच्छा से। मैं सपने को बचाना चाहता हूँ ताकतवर बनने की अपनी ही इच्छा से, जो उछाल दे सकती है लोहे की गेंद कभी भी किसी की नींद में, जो उछाल दे सकती है लोहे की गेंद कभी भी किसी की नींद में। आपकी जो कविताएं अभी आपने जो पढ़ी हैं, तो उन कविताओं में बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साफ साफ आप समय के साथ संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो हमारे समय की जो विडंबना है, जो विषमता है, और उससे जो हमारा मानस इस तरह से घिरा हुआ है कई तरह के दबावों में से, तो आपकी कविताएं उसके भीतर से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फूट रही हों, उसके भीतर से अपने अपनी विषय वस्तु को, अपनी अंतर वस्तु को ग्रहण कर रही हों, रच रही हों। तो ये सब सारी चीजें जो हैं बहुत हमें आश्वस्त करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें हमारे जीवन संघर्ष, हमारी जिज्ञासा का स्वर भी बहुत गहराई से समाया हुआ है। और इस तरह से आपकी कविताएं जो हैं वो हमें बहुत प्रेरणा भी देती हैं, और हम कविता पाठ भी आपका हम सुनेंगे आगे। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि जब आप पटना में पढ़ते थे तो निराला की कविता ने आपको, भिक्षुक ने आपको बहुत प्रभावित किया, अक्सर आप लोग उसका पाठ किया करते थे, तो और किन कवियों को आपने पढ़ा, और ऐसी कुछ कविताएं, कविताओं के बारे में आप बताएं जिन कविताओं ने आपके कवि मन को बहुत गहराई से उद्वेलित किया, प्रभावित किया, संवेदनाओं को झंकृत किया। देखिए राजीव जी, मैं जब पटना विश्वविद्यालय में आया मैट्रिक पास करके इंटरमीडिएट में, उसके पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई मुजफ्फरपुर में एलिस कॉलेज में अंग्रेजी के छात्र रहे, ग्रेजुएशन से लेके एमए तक। वो जब छुट्टियों में घर आते तो बहुत सारी किताबें ले आते, अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी। तो मैं अंग्रेजी की किताबें कम पढ़ता था क्योंकि अंग्रेजी उस समय बहुत आती नहीं थी, लेकिन हिंदी की किताबें, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी।
जिनमें कविता की किताबें भी थी, कहानियां कहानियों की किताबें थी, उपन्यास भी थे। तो वहां से एक रचना के माध्यम से कई लोगों से परिचय हुआ और एक रचना की संवेदना भी मेरे भीतर आई। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसा आपको मैंने बताया कि निराला की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें एक दो भिक्षुक का जिक्र किया मैंने, एक उनका गीत है वरदे वीणा वादिनी वरदे, सरस्वती वंदना, ये सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना, काट अंग उरके बंधन स्तर बाहर जननी ज्योतिर्मय निर्झर, वो मुझे बहुत अच्छी रचना लगती थी। बहुत प्रसिद्ध कविता है निराला की, साहित्यिक समारोह वगैरह की शुरुआत में भी, प्रारंभ में इसको गाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग मुक्ति बोध को पढ़ना शुरू किया। हालांकि उन दिनों लोग यही कहते थे कि मुक्ति बोध बहुत जटिल है और पढ़ना बहुत कठिन है, तो हम लोग बच बच के पढ़ते थे। बाद में मुझे लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो बात कही जाती थी जो बहुत जटिल है वो ठीक नहीं थी। फिर हम उनको खूब पढ़ा, उनकी डायरी भी पढ़ी। उसके बाद अगे से होते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय जी, और उस समय के और कवि, इन लोगों की कविताएं अपनी हमारी मेरी संवेदना के बहुत निकट थी, इसलिए इनको पढ़ने का मन होता था। और फिर आपको मैंने कई नाम लिए, मंगेश डबराल की पीढ़ी को भी हमने पढ़ा, आलोक धनवा को पढ़ा, कविताएं पढ़ी, असद जैदी को पढ़ा, पंकज सिंह को पढ़ा जी। तो इस तरह एक पूरी कतार है अग्रजों की, जिनको पढ़ के हमने अपनी काव्य संवेदना को गहरा किया। और उसी से जो अब अपनी पहचान है या अपनी कविताएं हैं उसके पीछे उनकी प्रेरणा तो रही ही है। जैसे रघुवीर सहाय उस समय बहुत बड़े कवि थे और लगते भी थे एक दार्शनिक की तरह, एक कवि जो दार्शनिक है, पत्रकार है और भारतीय समाज और संस्कृति और समय तीनों की अद्भुत पहचान है। तो इसी तरह करते करते फिर अपने समकालीनों से भी उनकी रचना धर्मिता से, रचना संसार से हम सीखते हैं, आज भी सीखते हैं, अपने बाद के रचनाकारों से भी सीखते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इसकी इतनी बड़ी परत दर परत अनेक चीजें हैं। एक बात रघुवीर सहाय कहते थे कि अपने समय में मैं अकेले कवि नहीं हूं, हमारी कविता अकेले मुझे लिखने से नहीं होती है, बनती है, यह सामूहिक कर्म है, सामूहिक रचना शैलता है, कई लोग मिलके समकालीन रचना शैलता का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि कुछ चीजें मुझसे छूट गई तो मेरे कवि मित्र ने लिख लिया, उनसे जो छूट गई किसी और ने लिख लिया। तो आप
अपनी अपने कविता के पूरे ऐतिहासिक या परंपरा के संदर्भ में देखेंगे तो एक समय में जितने लोग सक्रिय हैं उन सबकी रचनाओं को देखना होगा, तब जाके आपको एक मुकम्मल तस्वीर अपने समय की मिलेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने मिथिलेश जी हम लोगों को कही है कि जो हमारी कविता की जो परंपरा है, इसके जो नए पुराने कवि हैं, सभी कवियों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक अपनी विरासत से, चाहे वो भाषा की विरासत हो, चाहे वो चिंतन की विरासत हो, या संवेदना और अनुभूतियों का संसार हो, हम उससे ठीक से परिचित नहीं हो सकते हैं और साहित्य को लेकर करके फिर ठीक से संवाद भी कायम नहीं हो सकता है। और आज का के संवाद की ये सबसे बड़ी सार्थकता है कि हम लोग इन सब प्रश्नों पर आज बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको फिर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपनी कुछ और नई कविताएं हमें सुनाएं, क्योंकि आपकी कविताओं को सुनकर करके हमें नई जीवनानुभूति हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें हमारा अपना जीवन जो है वो कहीं ना कहीं सिमटता हुआ खुद हमें वो अपने पास बुला रहा हो। इस तरह से आप बेहद आत्मीय मतलब सरोकारों के कवि मुझे प्रतीत होते हैं। आपकी कविता हम सब की कविता है, समाज के सारे लोगों का जो जीवन है उसके जो प्रसंग है, आप अपनी कविताओं में उन सब के जीवन की बातों को ही समेटते हैं। और आप मंगलेश डबराल, केदारनाथ सिंह और इसके पहले रघुवीर सहाय, इन सब कवियों से भी आपने साक्षात्कार किया है, लंबा साक्षात्कार आपने लिया था, पुस्तक रूप में भी उसका प्रकाशन हुआ है। तो कवि की जो दुनिया होती है वो बहुत बड़ी दुनिया भी होती है और बहुत छोटी दुनिया भी होती है, लेकिन कविता लेखन से जुड़े हुए जो सरोकार होते हैं वो सरोकार कहीं ना कहीं उसको एक अभिव्यक्ति की बड़ी जमीन पर प्रतिष्ठित करते हैं। और इसी तरह से आपकी कविताएं भी अपने उद्देश्यों को मुझे लगता है कि वो प्रकट करती हैं, इन्हें पढ़ा जाना चाहिए और पढ़ी जाती रही आपकी कविताएं, तमाम हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होते रहे हैं और बेहद लोकप्रिय कवि हैं हिंदी के। आप अपनी कुछ और कविताओं को आप सुनाएं। बचे रहेंगे फिर भी पानी की तरह बहते हुए हम लोग यहाँ वहां पहुंचे हैं, सता है कि कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन पानी की तरह ही थोड़ा सा हम सोख लिए जाएंगे, थोड़ा सा भाप बनकर उड़ जाएंगे कहीं। याद रखिएगा जिद्दी जानवरों की तरह सियासत करने वालों, पानी के जैसे ही हम बचे रहेंगे फिर भी कहीं ना कहीं। पानी के बुलबुलों की तरह गहरी आस्था, गहरा विश्वास, और आपकी कविताएं जो है वो हमारी जीजीविषा के भीतर से हमारी जीजीविषा को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करती हैं। बेहद संकट से भरे हुए समय के आप कवि मिथिलेश जी, और बहुत ईमानदारी से आपने अपनी कविताओं को लिखा है, हर तरह के बनावटीपन से, हर तरह के प्रपंच से, छल से, कृत्रिमता से और औपचारिकता से बचते हुए कविता की भाव भाषा और भंगिमा को नया रूप आपने प्रदान किया है। और हम कुछ ऐसी ही कविताएं आपसे और भी सुनना चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ और ऐसी कविताएं आप हमें सुनाएं। एक कविता है खौफ, एक कविता तो कुछ साल पहले लिखी गई होगी लेकिन आज मैं इसी तरह का खौफ महसूस करता हूं। मैं अपने बेटे से मिलने उसके छात्रावास जाता हूं। पुलिस पूछती है मैं क्यों बार बार उस जगह जाता हूं। मैं अपने पिता से मिलने उनके दफ्तर जाता हूं। पुलिस पूछती है मैं क्यों उस जगह जाता हूं। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने उसकी गली में जाता हूं।
पुलिस पूछती है मैं क्यों बार बार उस जगह जाता हूं। मैं मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, अजमेर जाता हूँ। पुलिस पूछती है मैं क्यों बार बार उन जगहों पर जाता हूँ। पुलिस मेरे हर व्यवहार पर शक की निगाह रखती है। बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। मिथिलेश जी, जो हमारे जीवन के जो अपेक्षित प्रसंग हैं, वो तो कविता की भावभूमि को एक निर्मिति प्रदान करते ही हैं। कवि जो है किसी आशा को लेकर के ही, किसी उमंग को लेकर के ही कविता लेखन में प्रवृत्त होता है। उसी क्रम में अनपेक्षित प्रसंग भी जो है जीवन के, वो कविता की भावभूमि पर अवतरित होते हैं और कविता की विषय वस्तु में शरीक होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से आपकी कविता इन दो पाठों के बीच अपनी जगह बनाती हुई दिखाई देती है, अपनी अभिव्यक्ति की तलाश करती हुई अपना रूप रंग जो है वो ग्रहण करती है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप कविताएं लिख रहे थे और आज जब काफी कविताएं आप लिख चुके हैं, तमाम पत्र पत्रिकाओं में आप छप चुके हैं, तो हिंदी की जो सब पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी पत्रिकाएं बंद भी हो गई हैं, बहुत सी पत्रिकाओं ने कवियों के जीवन के विकास में, उनके काव्य कर्म के सामने लाने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। तो आज ये कहा जा रहा है कि प्रकाशन जो है वो बहुत आसान भी हो गया है, किताबों का प्रकाशन, काव्य संग्रहों का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं भी खूब छप रही हैं, लेकिन कविता जो है वो सिर्फ कुछ साहित्यिक लोगों के आपसी विमर्श का ही हिस्सा बन गई है। समाज जो है वो साहित्यिक चेतना से दूर होता जा रहा है और इन सब सांस्कृतिक संकटों के मद्देनजर आपके विचारों को जानकर हमें थोड़ी खुशी होगी अगर आप इस पर। राजीव जी, साहित्य सांस्कृतिक प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध के लिए बड़े संस्थान काम नहीं करते हैं। Only small institutions इनके लिए काम करते हैं, जैसे जन सरोकार मंच है, यह भी एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें जो भी होता है उसमें श्रम लगता है, समय लगता है, कुछ लोग इस काम को करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध मानते हैं, तभी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो अब मैं इस इंस्टीट्यूशन में हूँ, आपके सामने बात कर रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया। इस इंस्टीट्यूशन के पीछे बड़ी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। देवेंद्र जी जैसे, आपके जैसे प्रेमी कहना तो बहुत सरलीकरण होगा, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस काम को लोग कर रहे हैं। तो इस छोटे से इंस्टीट्यूशन में जो समय लग रहा है वो फिर आगे जा रहा है। तो जो हमारी पत्रिकाएं हैं वो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। आप समझ लें कि 400 से लेकर 500 तक जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, जिनको हम लोग लघु पत्रिका भी कहते हैं, महत्वपूर्ण 400 से 500 पत्रिकाएं होंगी जिनके लिए मन में रहता है कि उन्हें हम जरूर पढ़ें,
300, 400, 500 पत्रिकाओं को पढ़ना भी आसान काम नहीं है, लेकिन उसको एक एक आदमी या एक ग्रुप नहीं पढ़ता, तमाम पाठकों के अलग अलग पाठकों के अलग अलग समूह हैं जहां ये पत्रिकाएं पहुंचती हैं, और एक व्यक्ति के लिए सभी पत्रिकाओं को पढ़ पाना या सबको मंगाना वो निरर्थक प्रक्रिया भी है। निरर्थक प्रक्रिया भी है कि हम 500 पत्रिकाओं को महीने में मंगाएं, कुछ पत्रिका हम मंगाएं, कुछ पत्रिकाएं दूसरे लोग मंगाएं, कुछ पत्रिकाएं बिहार में आए, कुछ पत्रिकाएं नागालैंड में जाएं। लेकिन वो पत्रिकाएं अपने आप में स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां हम छपते हैं तो उसके जितने पाठक हैं वहां तक आपकी रचना जाती है, आपका नाम जाता है। तो हम मैं तो इन पत्रिकाओं को इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के रूप में मैं देखता हूं, और इन पत्रिकाओं के पीछे भी कोई बड़ी शक्तियां काम नहीं कर रही है, कोई लेखक ही इसके लिए काम कर रहा होता है या एक लेखकों का एक समूह काम कर रहा होता है जो पत्रिकाओं को निकालने में, उनको प्रकाशित करने में अपना श्रम लगाता है, पैसा भी लगाता है। तो ये बहुत कठिन है, सारी पत्रिकाएं बहुत श्रमसाध्य काम रहा है ये, चाहे वो पहल पत्रिका को ज्ञान रंजन जी ने प्रकाशित किया हो, कठिनाइयों से, और दूसरी पत्रिकाएं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से साक्षात्कार का प्रकाशन हुआ है, और हिमाचल प्रदेश के भाषा संस्कृति विभाग से भी भाषा पत्रिका प्रकाशित हुई, और उसके जो संपादक गण रहे तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेखक संगठनों की पत्रिकाएं हैं, और कमला प्रसाद जी ने पत्रिका निकाली, और यशोदा नाम की पत्रिका, और परसाई जी शुरू में जुड़े हुए थे उस पत्रिका के प्रकाशन से, अशोक वाजपेयी साहब ने पूर्वग्रह का संपादन किया भारत भवन से, भारत भवन से। तो इस तरह से पत्रिकाएं निकल रही हैं, लेकिन उनके सामने संघर्ष है, वित्तीय संघर्ष है, अच्छा है। मिथिलेश जी एक बात हम आप चाहते हैं और भी आपसे करना, कि हिंदी कविता लेखन का बहुत विस्तार हुआ है और बिल्कुल उसमें नई तरह की प्रवृत्तियां उभर रही हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसी चीजें जो हैं वो सब गौन पड़ती चली जा रही हैं, और आदिवासी कविता और नारी लेखन कविता और दलित कविता, इनको एक काव्य धारा के रूप में हाल के दशकों में एक पहचान मिली है, और इसी अनुरूप विश्वविद्यालयों में भी शोध कार्य वगैरह सब संपन्न हो रहे हैं, कि सब अलग अलग डिसिप्लिन है, एकेडमिक डिसिप्लिन स्कूल्स हैं, ये सब है ना, लिटरेरी स्कूल्स रिसर्च के। तो आपको क्या लगता है कि कविता की जो सृजनात्मकता है उसकी पहचान इस तरह से की जा सकती है? कभी तो अपनी पृष्ठभूमि को लेकर के, अपने परिवेश को लेकर के आता ही है, जैसा कि मैंने आपके बारे में कहा कि मध्यम वर्ग की जिन संवेदनाओं को प्रकट करने वाले आप कवि हैं, आम लोगों के पास जाकर उनके सुख दुख को समझने वाले आप कवि हैं, और वही रघु सहाय जी भी थे, मंगलेश जी भी थे, लेकिन आज जो बदलाव दिखाई दे रहा है कि कवि एक घरे के कवि के रूप में, एक खेमे के कवि के रूप में खुद को वो, मतलब उसका एक वो प्रचारक, उसका एक वो व्याख्याता, प्रतिष्ठापक, वो खुद को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है साहित्य की दुनिया में। खेमेबाजी कविता नहीं करती है, खेमेबाजी मनुष्य करता है, इंसान करता है, और वो अपनी तात्कालिक फायदों के लिए इस तरह की खेमेबाजी करते हैं, लोग आज भी कर रहे हैं। ये खेमेबाजियां जात आधारित भी हो रही हैं, वो दिख जाता है अगर आप ठीक से देखें इस साहित्यिक समाज को, तो उसके भी भीतर आपको बहुत सारे इस तरह के कटु अनुभव होंगे उनको देख करके। लेकिन जब कविता आती है वो किसी खेमे में बंधी नहीं होती है, अगर उस कविता ने आपको आकृष्ट किया है, उसको उस कविता को पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है, तो आप समझिए कि वो किसी खास खेमे से नहीं आ रही है, चाहे वो लेखक संगठनों से जुड़े लोग कविता लिख रहे हों, कहानी लिख रहे हों, किसी विचार से प्रभावित होकर लिख रहे हैं,
तो उसमें कविता, अब देखिए कविता जो हिंसा फैलाने की बात करे उसको तो हम कविता नहीं मान सकते हैं। कविता जो समाज को बांटने की बात करे वो तो हम उसको कविता नहीं मान सकते। तो इस तरह की चीजें अगर समाज में बढ़ती हैं, जो साहित्य में संकीर्णता की भावना का बिल्कुल समावेश नहीं होना चाहिए, मिथिलेश श्रीवास्तव साहब आपने हमें ये बताया है और ये आपकी बात सबके लिए श्रेयस्कर है, जो भी लोग लिख रहे हैं और जो भी लोग साहित्य को पढ़ रहे हैं और साहित्य की जो मूल चेतना है उसके करीब अगर वो आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि हम धर्म जाति क्षेत्र की संकीर्णता से खुद को दूर ले जाएं और सामाजिक सरोकार जो हैं साहित्य के, जिनके बारे में प्रेमचंद ने भी हमें बताया था और जिसकी चर्चा अक्सर जितने भी हमारे यशस्वी लेखकगण हैं, चाहे वो राजीव प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे वो नामवर सिंह हों, तो इन सभी लोगों ने साहित्य के बारे में हमें बार बार इस बात का स्मरण दिलाया है और बहुत खुशी की बात है कि आपने भी अपने काव्य लेखन में इन सब सारी बातों को सामने रखा है और ये बहुत आवश्यक है कि लेखन कर्म में कवि जो है कहानीकार उपन्यासकार बेहद ईमानदारी से प्रवृत्त है और नाम यश प्राप्त करने के लिए झूठे उपक्रमों में वो सरीक नहीं हो और उनके अंदर सहअस्तित्व का भाव हो, एक दूसरे के साथ प्रेम का भाव हो और चाहे वो दलित कवि हो या चाहे वो आदिवासी कवि हो, सबका सम्मान हिंदी में होना चाहिए। साहित्यिक पत्रकारिता जो है उसमें संकीर्णता खत्म होनी चाहिए और कार्यक्रम अब समाप्त होने में थोड़ा सा समय बच रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के अंत में आप अपनी कोई कविता जरूर सुनाएं ताकि इस साक्षात्कार कार्यक्रम की स्मृति सदैव कायम रहे। एक आखिर में मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, शोषण। उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश है, उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश है जो काबिल भी हो और कम पैसे में काम कर सके। मैंने कहा मैं ईमानदार हूं, काबिल हूं, लेकिन कम पैसे में काम नहीं कर सकता। उसने कहा आपकी मर्जी। मैं सोच में पड़ गया, ईमानदार काबिल और कम पैसे में ईश्वर के अलावा और कौन हो सकता है। शुक्रिया राजीव जी, और ये मेरी किताब जो है चयनित कविताएं, ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रति भी आभार, आप कार्यक्रम में आए और आपने भाग लिया, अपनी कविताएं सुनाई, साहित्य विषय विचारों को आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए मिथिलेश श्रीवास्तव साहब आपका कोटि से आभार। हम आपसे फिर मिलेंगे, नमस्कार।